I don't understand. मैं अगर दिवाली तक नहीं रुकता हूँ तो लोगों को क्या प्रॉब्लम? तो तुमने डिसाइड कर लिया है सैटरडे को जा रहे? बिल्कुल, 3 हफ्ते हो गए हैं. अच्छा, 3 हफ्ते हो गए, लगा ही नहीं. वैसे तो मंडे को 3 हफ्ते हो जाएंगे, मगर 2 दिन में क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 दिन? क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? तो क्या आप मुझे यहाँ रोकना चाहती है? बेटा, मेरी बात समझो, मुझे कोई दबाव नहीं डालना है तुम पर. That's good. वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, you haven't any right at all. मैं नहीं जानती मेरे राइट्स है या नहीं, वो बात नहीं है. मगर नन्ने, प्लीज, आई एम सॉरी. नयान, बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम रुको, बल्कि चाहती हूँ कि तुम यहीं रह जाओ. नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है. क्यों, तुम इतने खुश हो वहाँ? ये क्यों पूछ रही है आप? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, जहाँ भी रहो, मेरे साथ रहो या जहाँ भी हो. आप परवाह ना करें, मैं बहुत खुश हूँ. तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, आई लव इट. मगर इस तरह की बातें जो यहाँ हो रही है, ये मुझे पसंद नहीं. तुम अपने आप को अकेला मत समझो. इस तरह की बात मत कीजिए मुझसे. यू डोंट हैव टू बी सॉरी फॉर मी. नैन, डोंट यू डेयर, यू हैव नो राइट. नैन, इधर आओ. फिर मेरे साथ कभी ऐसी बात मत करना. आई डोंट केयर तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में. फिर मेरे पास कभी ऐसी बात मत करना, समझे? Yes. अच्छा, मेरे पास आके बैठो. I have nothing to say. मगर मुझे कुछ कहना है. बहुत दिनों से मुझे ये बात करनी थी. तुम चाहे जो भी मेरे बारे में सोचते हो, मगर मेरी लाइफ में तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. आई लव यू वेरी मच. इज दैट ऑल? नैन, जो हुआ वो सब मेरी गलती नहीं थी, पर तुम्हारे पापा. मुझे इससे कुछ नहीं, किसकी गलती थी? यू वर द वन हु रैन अवे. नहीं, मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो. यू रैन अवे फ्रॉम डैड एंड मी. क्यों? व्हाई? क्या वो आदमी तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता था? नहीं, सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता है. तो फिर क्यों? नैन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकोगे, पर जो प्यार मुझे उसके लिए है, वो प्यार तुम्हारे फादर मुझसे चाहते ही नहीं थे. पर जो प्यार मैं तुमसे करती हूँ, इससे उसका कोई संबंध नहीं है. You are too late, mother. अब इसका कोई मतलब नहीं है. That's funny. Call you mother. लेकिन और कुछ मेरी समझ में नहीं आया. मगर मेरे लिए तुम वो नहीं हो. मेरे लिए my mother is dead. और मैं तो I wish you had died. हाँ, बिल्कुल यही चाहता था मैं. मैं रात को सोते हुए यही प्रिटेंड करता था. कभी कभी तो ये सच लगने लगता और मैं रो पड़ता. अब आपको समझ में आया व्हाट आई रियली फील अबाउट यू. और अभी भी चाहती है कि मैं यहाँ रहूँ? पहले से भी ज्यादा.